ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय ओम शांति। भर्तृहरि नीति शतकम इस समय प्रवर्तित है। पहले चार श्लोकों के बाद पांचवें श्लोक की बारी है। प्रसंग चल रहा है मूर्ख निंदा। मूर्खता एक ऐसा असाध्य रोग है। मूर्खता के लिए कोई औषधि नहीं बनी है, अतः उससे दूर रहना। और इससे जो लिपटे हुए लोग हैं, मूर्ख हैं, उनको सुधारने का यत्न करना भी मूर्खता है। इस पर महाकवि भर्तृहरि क्या कहते हैं, आइए देखें पांचवें श्लोक में। फलक पर देखें, मेरे साथ बोलने का अभ्यास करें। लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीड़यन् पिबच्च मृग तृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचिदपि पर्यटन शशविषाणमासादये न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तमाराधये। ये पृथ्वी छंद है। पृथ्वी छंद का राग कुछ ऐसा ही होगा। इससे पहले वाले श्लोक में भी, चार पंक्ति वाले श्लोकों में, तीन असाध्य असंभव कार्यों का उल्लेख करते हुए भर्तृहरि ने संदेश दिया है कि मूर्ख व्यक्ति के, हठी मूर्ख दुराग्रही मूर्ख के व्यक्ति के मन को नहीं समझाया जा सकता है। ब्रह्मा भी आए तो नहीं समझा सकते हैं। हमें अपना अमूल्य बहुमूल्य समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। ये तीन, पहली तीन पंक्तियों में तीन कठिन काम है। पहला काम है सिकतासु पीड़यन तैलम लभेत। सिकता का संस्कृत में सिकता का होता है रेत। गांची समाज का अपना पारंपरिक पेशा है तेल निकालना बीज में से, चाहे वो तेलन से हो, चाहे महुए के जो बीज आते हैं उससे हो, चाहे विभिन्न प्रकार मूंगफली का हो, घाड़ी में वो कोल्हू के बेलों को जला करके रथ लगातार पीसते रहने से, उसको संपीड़ित करते रहने से तेल आता है। तो यहाँ का ये व्यक्ति चाहे तो यत्नतः प्रयत्नों से लभेत पा सकता है। किसमें से, सिकतासु, रेत को भी घाणी में लगातार पीसने से तेल को पीड़यन छत्रपति लगाए संपीड़ित करते हुए। अगर घाणी में रेत भी डाल दी जाए तो एक समय में रेत से भी तेल आ सकता है। हालांकि असंभव है, कठिन है, रेत से कभी तेल नहीं आता, सबको मालूम है। लेकिन भर्तृहरि कहते हैं कि व्यक्ति, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। एक गुण बड़े एक से एक प्रकार है छिपे मानवों के भीतर, तो असंभव भी संभव कर सकता है मनुष्य। दूसरा है पिबेत पी सकता है। क्या देखें, सलिलम मृग तृष्णिकासु सलिलम पिपासार्दित। पिपासार्दित मनुष्य, पिपासार्दित मतलब प्यास से अर्दित, अर्दित मतलब व्याकुल, प्यास से व्याकुल मनुष्य मृग तृष्णिकाओं में भी जल को पी सकता है। प्यास से छटपटा रहा है, जान जा रही है, कंठ प्राण में आ रहे हैं, ऐसे में मनुष्य मृग तृष्णिकाओं में भी, जहां जल उपलब्ध है वहां तो पानी मिल जाता है, लेकिन जहां बिल्कुल जल नाम की कोई चीज नहीं है, पानी दूर दूर तक पानी नहीं है, मृग तृष्णिकाएं हैं। मृग तृष्णिका यहां शब्द है, इसकी व्याख्या करनी आवश्यक है। मृग तृष्णिका का तात्पर्य है कि जब रेत का जो समंदर जैसा होता है, रेगिस्तान में लू के कारण जो लपटें निकलती हैं वो पानी का आभास कराती है। ऐसा लगता है कि आगे जल है, हिरण है वो उस जल की आस में दौड़ता हुआ वहाँ तक जाता है, फिर उसे आगे दिखाई देता है, वहाँ पान पानी, फिर आगे दिखाई देता है। ये एक छद्म है, ये धोखा है, मिलता कहीं नहीं, और पिपासार्दित मृग भटक जाता है, मर भी जाता है। तो यहाँ कहा गया है कि प्यास से व्याकुल मनुष्य उस मृग तृष्णिका में भी, जहाँ मृग तृष्णा में फंस जाता है, उसको पानी मिलता नहीं, उसी तरह से ये शब्द मृग तृष्णा, ये जो इंद्रियों की भूख है वो भी ऐसी ही, ये भूख कभी मिटने वाली नहीं है, ये मृग तृष्णा है। आगे ही बढ़ते जाओ और मिलेगा, नहीं मिलने वाला है।
इसलिए अध्यात्म की राह पकड़ने का संदेश देते हैं। यहां शब्द है मृग तृष्णिकाओं में मनुष्य प्यास से व्याकुल होता हुआ पानी चाहे तो पी सकता है। कैसे पी सकता है? चाहे मनुष्य चाहे तो वहां कुआं खोद करके अथाह परिश्रम करके उस रेत में से भी पानी निकाल सकता है, पी सकता है। बिल्कुल कठिन को भी सरल किया जा सकता है, असंभव को संभव बनाया जा सकता है। तीसरी पंक्ति में देखें, तीसरी बात कौन सी है? कदाचित अपि, कदाचित कदाचित, बार बार नहीं, कभी। अपि भी पर्यटन, घूमते हुए, पर्यट शत्र प्रत्यय पर्यटन। शश विषाणम आसादयेत, आसादित प्राप्त कर सकता है। किसको? शश विषाणम, शश मन खरगोश के विषाण मन सिंह, खरगोश के सिंगों को पा सकता है। खरगोश के सिंह तो देखे ही नहीं है, खरगोश सिंह आते ही नहीं, असंभव है ना, कभी सुना है खरगोश के सिंह आते नहीं। लेकिन मनुष्य यदि निरंतर घूमता रहे, भटकता रहे, निरंतर घूमते हुए वन में खोजते हुए उस शश के विषाणु को, खरगोश के सिंगों को भी पा सकता है। लेकिन किंतु परंतु न तो प्रतिनिविष्ट, नहीं कर सकता है। प्रतिनिविष्ट हठी दुराग्रही मूर्ख जन के चित्त को, मूर्ख व्यक्ति के मन को न आराधे, आराधे के आगे न का अन्वय कर दीजिए। लेकिन हठी मूर्ख के मन को नहीं प्रसन्न किया जा सकता है, नहीं समझाया जा सकता है, इसलिए उससे दूर रहना ही भलाई है। समाज में हठी ऐसे लोग हैं, उनसे दूर रहने का बड़ा मार्मिक संदेश दिया है भरतहरि ने। आप सुधरने जाओगे, नहीं सुधरने वाला है। आप सुधरो, जग सुधरेगा, व्यक्ति बदलेगा, समाज बदलेगा, समाज बदलेगा, देश बदलेगा। दूसरों को सुधारने के चक्कर में अपना समय नहीं गवाए, कितना महान संदेश है। यह है मूर्ख निंदा पद्धति, कितना असंभव है। कभी तेल रेत से तेल निकलता है, लेकिन भरतहरि कहते हैं कि संभव है, चमत्कार हो जाए। मृग तृष्णाओं में रेगिस्तान में पानी 500-500 फीट तक पानी नहीं निकलता है, लेकिन मनुष्य चाहे तो उसकी हिम्मत, संघर्षशील होता है मनुष्य, निकाल सकता है पानी। प्यास से व्याकुल मनुष्य मृग तृष्णा में भी जल ढूंढ कर पी सकता है। निरंतर वन में भटकते हुए खरगोश के सिंगों को भी पा लें, लेकिन मूर्ख व्यक्ति के मन को कभी समझाया नहीं जा सकता है, इसलिए उसे दूरी बनाए रखना ही शिक्षा है, संदेश है। आइए इसका ही कंटेंट इस श्लोक का, इस यूट्यूब के माध्यम से इसका सार्वभौमिक उद्देश्य है, बहुत बड़ा उद्देश्य है, संस्कृत सीखना, संस्कृत के शब्दों को देखना, भाषा बढ़ेगी, भाषा का वैभव बढ़ेगा। वोकैबुलरी कैसे बढ़ेगी? जब हम उनके शब्दों के अर्थ देखेंगे, उनके प्रति सकारात्मक रहेंगे। हमारे मन में नकारात्मकता है तो हम इन शब्दों का, ये हमारा खजाना बढ़ने वाला नहीं है, घटेगा। आप पॉजिटिव रहिए तो आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, आप ऐसा बोल सकेंगे, लिख सकेंगे, आपके स्वभाव में ये चीज़ आएंगी। ऐसी चीज़ें परिवार में दादा दादी, नाना नानी, बड़े बुजुर्ग अपने छोटे बच्चों को यदि इस प्रकार की हमारी सांस्कृतिक धरोहर बताएंगे बचपन में, ये संस्कार पढ़ते हैं, नहीं बताते हैं, इसलिए बच्चे मोबाइल में उलझे हुए हैं, बच्चे कंप्यूटर में उलझे हुए हैं, गेम की दुनिया में मस्त हैं, कार्टून की दुनिया में मस्त हैं। उनका चरित्र प्रारंभ में चरित्र की शिक्षा देना, संस्कार देना, वो समय दिया जाएगा तो कुछ न कुछ होगा, वो पीढ़ी अच्छी होगी, मजबूत निकलेगी। मूर्ख प्रसंग अनुवाद व्याख्या मैंने आपको इस फलक पर इसलिए दिखाया है ताकि छात्र पॉज करके इसको नोट कर सके। संस्कृत व्याख्या नीति शतक से नहीं आनी है, ये मैंने इस विशेष में इस बात को लिखा है कि श्लोक में बालू से तेल निकालना, मृग मरीचिका में जल पीना और खरगोश का सिंह पाना सर्वथा असंभव है, ये भावार्थ में बता दिया है। बिल्कुल ये कभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन मानव की असाधारण कार्यक्षमता के बल पर यह संभव भी हो सकता है, कठिन नहीं, चमत्कार हो भी सकता है। महाकवि रामधारी सिंह दिनकर की कुरुक्षेत्र की पंक्तियां हैं, कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मन में, खम ठोक ठेलता है जब अदर पर्वत के जाते पांव खड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ये तो रश्मि रति का बड़ा प्रसिद्ध तृतीय सर्ग का, श्री कृष्ण की चेतावनी का महान काव्य है। इसको कभी किसी अच्छे अवसर पर पूरा मैं आपको सुनाऊंगा यूट्यूब माध्यम से। इसका व्याकरण यहाँ रहा और आगे अगले श्लोक पढ़ते हैं, छठे श्लोक में, ये भी पृथ्वी छंद में ही है। देखें इसका उच्चारण करें पहले,
व्यालं बाल मृणाल तंतु भिरसौ रुद्धुम समुज्जृंभते भित्तुम वज्रमणिम शिरश कुसुम प्रांते न सन्नयति। दो पंक्तियां बोलने से मुझे लगा कि पृथ्वी छंद नहीं है, ये शार्दुल विक्रणी छंद है। ये श्लोक शार्दुल विक्रणी छंद में है, सुधार कर ले छात्र। माधुर्यम मधुबिंदुना रचयितुम क्षाराम्बुधेरीहते नेतुम वांछति यह खलानपति सताम सुक्ते सुधास्यन्दिभिः। बहुत बढ़िया बात है ये भी। ये सब श्लोक हमारे पर्सनलिटी को पॉलिश करने के लिए है, बहुत जरूरी है। ये तीन कठिन काम, इसमें भी वही तीन बातें आई हैं कि इस प्रकार का प्रयास करने वाले व्यक्ति भी मूर्ख ही होते हैं। जो असंभव को संभव बनाने की चेष्टा करते हैं उनके वो काम मूर्खतापूर्ण है। जैसे ऐसा ऐसा करने से ऐसा ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर दृष्टांत माध्यम से भर्तृहरि कहते हैं शार्दूल विक्रणी छंद में व्यालम, व्याल का तात्पर्य होता है हाथी। द्वितीय एकवचन व्यालम हाथी को, व्यालम यदि हाथी को, बाल मृणाल तंतु भी तंतुओं से, धागों से, रेशों से, डोरों से। बाल मृणाल का मतलब है छोटा कोमल उगता हुआ कमल। उस उगते हुए कमल अर्थात जो अभी पुष्पित हुआ ही है, अभी पल्लवित हुआ है, ऐसे बाल मृणाल का मतलब कमलनाल की जो कोमल डोरी होती है उसके रेशों से। रुद्धुम समुज्जृंभते रोकना चाहता है कौन? जो मूर्खों को मनाने का प्रयास करता है, जो मूर्खों के चित्त को खुश करने की कोशिश करता है, वो ऐसा काम करता है मानो वो हाथी को कमलनाल की डोरियों से बांधना चाहता है। अर्थात अरे हाथी तो लोहे की जंजीरों को तोड़ डालता है, फिर कोमल कमलनाल की डोरियों से का तो हाथी फुफकार करेगा तो डोरियां टूट जाएंगी। तो ऐसा प्रयास करने वाला व्यक्ति मानो रूपक है, ये समझना ही। आरोप कर दिया गया है कि मूर्खों को मनाने की कोशिश करने वाला व्यक्ति मानो क्या करता है, कोमल कमल की डोरियों से मदमस्त हाथी को बांधने की कोशिश करता है। क्या संभव है? बिल्कुल नहीं है। दूसरी पंक्ति देखें, उसमें दूसरी बात है। भित्तुम, भित्तुम का मतलब छेद करना चाहता है, भेदना। वज्रमणि को, वज्रमणि द्वितीय एकवचन, वज्रमणि को भेदना चाहता है। किससे भेदना चाहता है? शीर्ष कुसुम प्रांतेन, शीर्ष कुसुम के प्रांत से। शीर्ष पुष्प बहुत कमल होता है, उस शीर्ष पुष्प के पत्ती के धार से किसको भेदना चाहता है? वज्रमणिम भित्तुम सन्नहयति, वज्रमणि को काटने की कोशिश करता है। अरे कोई फूल से, किसी फूल की धार से, पत्ती की, उस फूल पत्ती की धार से क्या कोई वज्रमणि कटेगी क्या? वज्रमणि कभी नहीं भेदा जा सकता है, असंभव है। असंभव क्या, कभी होता ही नहीं। अगर जो ऐसा प्रयास करता है तो वो ऐसा कर रहा है कि फूल से हीरे को काटने की कोशिश कर रहा है, जो बहुत कठोर होता है। विश्व की सबसे कठोर धातु है हीरा, वज्रमणि। तीसरी बात क्या है? माधुर्यम मधुबिंदुना रचयितुम क्षाराम्बुधे रीहते है, धेरी है। क्षाराम्बु, क्षाराम्बुधे अम्बुधे समुद्र को, क्षाराम्बुधे मैंने खारे समुद्र को, ईहते मैंने चाहता है। क्या चाहता है? माधुर्यम रचयितुम, मीठा करना चाहता है। किससे मीठा करना चाहता है? मधुबिंदुना, मधुमन शहद, शहद की एक बूंद से। मधुबिंदुना, मधु की एक बूंद से खारे समुद्र को मीठा करना चाहता है। ये भी संभव नहीं है। कैसे संभव है? इतना विशाल समुद्र है और वो एक शहद की बूंद डालने से खारा समुद्र मीठा हो जाएगा? जो व्यक्ति ऐसा प्रयास करता है मूर्खों को मनाने का, वो मानो शहद की एक बूंद डाल करके समुद्र में उस खारे समुद्र को मीठा करना चाहता है। अरे यहाँ पूरे कुएं पर अंगुली हुई है, तुम कैसे समझाओगे मूर्खों को? इन सब के बातों को समेटते हुए महाकवि भर्तृहरि कहते हैं नेतुम, नेतुम का मतलब है नी धातु, यहाँ नेतुम लाना, लाने के लिए, वांछति चाहता है, लाने के लिए इच्छा करता है, चाहता है। यह जो खलान दुष्टों को, जो मूर्खों को, दुष्टों को, असभ्यों को, जो ऐसे समाज में दूषित तत्व हैं,
उनको कहाँ लाना चाहता है? पथि मार्ग पर, किनके? सताम पथि, सज्जनों के मार्ग पर, सन मार्ग पर लाना चाहता है। किसके द्वारा लाना चाहता है? सुक्तई ही, सुक्तियों से, अच्छी बातों से, अच्छे प्रवचन से, जो कैसी होंगी? सुधास्यन्धि भी, सुधा से अस्यन्धि, अस्यन्धि सुधास्यन्धि भी, सुधा से सिंचित, अमृत से परिपूर्ण, अमृत से परिपूर्ण, अमृत वचनों से, अमृतमय सुक्तियों से, अनमोल वचनों से, सुभाषितों से, सुक्तियों से। जो व्यक्ति मूर्खों को सज्जनों के मार्ग पर लाने की कोशिश करता है, प्रयास करता है, लाना चाहता है, वह क्या क्या करता है? पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति से इसको देख ले कि ऐसा व्यक्ति कमल नाल की कोमल डोरियों से मदमस्त हाथी को बांधने की कोशिश करता है, शीर्ष पुष्प के धार से वज्रमणि को कोटने की कोशिश करता है, शहद की एक बूंद से खारे सागर को मीठा करना चाहता है। इस प्रकार बात कह करके महाकवि भर्तृहरि ने संदेश दिया है कि ऐसा करने वाला भी मूर्ख ही होता है। ये संदेश है, ये कंटेंट के रूप में इसका नोट कर ले छात्र। हमारे ये केवल छात्रों के लिए नहीं है, ये श्लोक सभी उन सामाजिकों के लिए जो संस्कृत प्रेमी हैं, जो संस्कृत में के माध्यम से अपना वोकैबुलरी बढ़ाना चाहते हैं। हिंदी भी संस्कृत की पुत्री है, इसलिए संस्कृत से ही निकले हैं सब तमाम भाषाएं भाषाएं। ये पर प्रसंग, अनुवाद, व्याख्या आपको ये कंटेंट उपलब्ध कराने से यहाँ विशेष में एक बात लिखी है कि केंद्रीय भाव श्लोक का यह है कि दुराग्रही मूर्ख व्यक्तियों को अच्छे उपदेशों से सज्जन बनाना असंभव है, नहीं बनाया जा सकता है। एक श्लोक मैंने हितोपदेश का यहाँ एक पंक्ति लिखी है कि उपदेशों ही मनुष्य मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये। मूर्खों के लिए उनके कोप को शांत करने के लिए उपदेश नहीं पर्याप्त नहीं है। तो इस श्लोक में इतना ही मैटर है। ये छंद विकृत छंद है, बहुत संगीतात्मक छंद है, बहुत अच्छा है, इसका अधिकतम प्रयोग किया है भर्तृहरि ने। आज के कालांश में इतना ही, कल फिर मिलते हैं आपके सामने। ओम।